नमस्कार, मैं हूं ज्योति बिष्ट। आप देख रहे हैं भारत फोकस न्यूज। शिक्षा और अध्यात्म का समावेश करके ही पाई जा सकती है अराजकता से मुक्ति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेवालाल गुप्त गुरुकुल विद्यालय में भव्य सभागार, प्रशासनिक भवन और कक्षाओं का किया लोकार्पण। गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने CSR फंड से किया गुरुकुल का पुनरुद्धार। मुख्यमंत्री ने कहा, गुरुकुल में होना चाहिए यज्ञ और हवन की पद्धति का अनुसरण। गुरुकुल को शिक्षा के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट और उद्यमिता प्रोत्साहन के साथ जुड़ना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को मेवालाल गुप्त गुरुकुल विद्यालय में नवनिर्मित सभागार, 5 कक्षों और प्रशासनिक भवन का लोकार्पण किया। उन्होंने गुरुकुल के पुनरुद्धार के लिए गोरखपुर गुरुकुल सोसाइटी के पदाधिकारियों को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने 1,05,00,000 रुपये के CSR फंड से यह निर्माण कार्य समय पर पूरा किया है। गुरुकुल में आध्यात्मिक वातावरण जरूरी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरुकुल में यज्ञ और हवन की पुरानी आर्य समाज की पद्धति का अनुसरण होना चाहिए। उन्होंने बताया कि जब तक गुरुकुलों में यह परंपरा जीवित रही, जब तक वहां का वातावरण आध्यात्मिक और अनुशासनपूर्ण था, जिससे पठन पाठन के बेहतरीन परिणाम सामने आते थे। योगी आदित्यनाथ ने जोर दिया कि आज के समय में शिक्षा और अध्यात्म का समावेश करके ही अराजकता से मुक्ति पाई जा सकती है। स्किल डेवलपमेंट और उद्यमिता पर जोर। मुख्यमंत्री ने गुरुकुल विद्यालय को शिक्षा के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट और उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करने की बात कही। उन्होंने कहा कि कोई भी वंचित बच्चा शिक्षा से वंचित ना रह पाए, हर बच्चा भविष्य के लिए आत्मनिर्भर बने। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे इन प्रयासों से भारत को विकसित भारत बनाने में मदद मिलेगी। गोरखपुर गुरुकुल विद्यालय की स्थापना 1935 में हुई थी। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस गुरुकुल में आध्यात्मिक और राजनीतिक गतिविधियों के कारण ब्रिटिश सरकार ने इसे 5 साल तक बंद कर दिया था। इसके बाद यह विद्यालय फिर से सक्रिय हुआ। आज यह उच्च स्तर माध्यमिक विद्यालय के रूप में संचालित हो रहा है। उन्होंने कहा कि समय के साथ संसाधनों की कमी के कारण विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या घटने लगी, लेकिन अब नए निर्माण और साधनों से इसे फिर से प्रतिष्ठित किया जा रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार के लिए सरकार प्रतिबद्ध। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार हर बच्चे को उत्तम शिक्षा और हर नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने PM मोदी की राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उल्लेख करते हुए कहा कि यह नीति छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए केंद्रित है। इसे आधुनिक जरूरत के अनुरूप तैयार किया गया है। वहीं स्वास्थ्य की दृष्टि से आयुष्मान कार्ड योजना के तहत 10 करोड़ लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की जा रही है। इससे पहले CM योगी ने गुरुकुल विद्यालय के विभिन्न कक्षाओं में जाकर पठन पाठन की गतिविधियों का अवलोकन किया। उन्होंने बच्चों से मुलाकात भी की और गुरुकुल प्रांगण में पौधारोपण किया। कार्यक्रम की शुरुआत में छात्राओं ने आकर्षक प्रस्तुति के साथ गणेश वंदना की। सरकार हर एक बच्चे को उत्तम शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है, तो प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा देने के लिए भी प्रतिबद्ध है। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2020 में, जब पूरी दुनिया इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना की चपेट में थी, तब भारत न केवल कोरोना प्रबंधन के लिए बेहतरीन प्रयास कर रहा था, बल्कि आने वाली पीढ़ी को तैयार करने के लिए एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को भी देश के अंदर लागू कर रही थी। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो प्रत्येक छात्र के सर्वांगीण विकास से जुड़ी हुई है, ये केवल एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि यह सर्वांगीण विकास को आगे बढ़ाने के साथ ही भारत को एक विकसित भारत के रूप में स्थापित करने के अभियान का क्रम है। विकसित भारत की इन परिकल्पनाओं को साकार करने के लिए आज जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, उन प्रयासों में शिक्षा की भूमिका क्या होनी चाहिए, यह बेसिक शिक्षा से लेकर के उच्च शिक्षा तक, टेक्निकल एजुकेशन से लेकर के मेडिकल और वोकेशनल एजुकेशन तक, हम आज की आवश्यकता के अनुरूप पाठ्यक्रम बच्चों को प्रदान कर सकें। जहां इस दिशा में केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा बेहतर प्रयास प्रारंभ किए गए हैं, वहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत सारे प्रयास प्रारंभ हुए, चाहे वह
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हों, जिला चिकित्सालय हों, इनके सुदृढ़ीकरण की कार्रवाई हो या फिर एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज की कार्रवाई को आगे बढ़ाने का। आज आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग 10 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए सालाना आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ प्रदान कर रहे हैं, यानी 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष वे लोग कहीं भी जाकर के अपनी स्वास्थ्य सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज से 5 वर्ष 7 वर्ष पहले यह कठिन कार्य था, लोग उपचार के अभाव में दम तोड़ते थे, लेकिन अब यह संभव हो पाया है। यह स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में किया जाने वाला यह प्रयास, ये विकसित भारत की ही संकल्पना को आगे बढ़ाने का एक प्रयास है।